नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भीलवाड़ा जिले के काछोला थाने में एक पीड़ित महिला किरमा देवी जाट अपने परिवार के सदस्यों के साथ दो दिन से थाने के चक्कर लगा रही है, परंतु काछोला थाने में पीड़ित महिला व उनके परिजनों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। इस समस्या को लेकर पीड़ित महिला के परिजनों ने सोमवार 10 बजे काछोला थाने में पहुंचकर ASI इंद्रराज मीणा के समक्ष न्याय की गुहार लगाई, तो मीणा ने ही पीड़ितों को कहा कि काछोला थाना प्रभारी आज भीलवाड़ा गए हैं और उनके आने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह सुनकर पीड़ित महिला व परिजनों को संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने से निराश होकर काछोला थाने के बाहर आकर बैठ गए। निराश महिला व परिजनों ने मांडलगढ़ DYSP कीर्ति सिंह के समक्ष दूरभाष पर गुहार लगाई, जिस पर 6 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित महिला ने काछोला थाने में मारपीट करने एवं अपनी दो नाबालिग पुत्रियां अनीता कुमारी उम्र 5 वर्षीय व पुष्पा कुमारी उम्र 3 वर्ष का ससुराल पक्ष बनकाखेड़ा द्वारा नाबालिग विवाह कराना चाह रही हैं, जबकि मेरी दोनों छोटी छोटी पुत्रियां अभी पढ़ाई कर रही है। 3 दिन पहले मेरे साथ मारपीट करके मुझे घर से भगा दिया। मेरे साथ की गई मारपीट वह मेरे बच्चों के साथ बाल विवाह के न्याय के लिए अपने परिजनों के साथ थाने के 2 दिन से चक्कर लगा रही है, परंतु मेरी सुनाई करने वाला कोई नहीं है। अभी मैं मेरी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हूँ, बालिक होने के बाद ही मैं उनका विवाह कराऊंगी। अगर समय रहते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा मेरी दोनों बच्चों को मुझे सुपुर्द किया जाए तो उनका बाल विवाह होने से रोका जा सकता है। इसी को लेकर मैं थाने के चक्कर लगा रही हूँ। वहीं उक्त मामले को लेकर काछोला थाने में जानकारी ली गई तो इंद्रराज मीणा ASI पुलिस थाना काछोला ने बताया कि धामनिया निवासी एक महिला द्वारा काछोला थाने में रविवार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, परंतु मुझे महिला की उक्त रिपोर्ट महिला व उसके परिजनों ने आज कार्यवाही हेतु दी है। देखिए भीलवाड़ा से प्रदीप वैष्णव की ये खास रिपोर्ट।